स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं राजस्थान जीके के 200 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज का पार्ट थर्ड। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज्य की प्रथम अर्बन हॉट कब स्थापित की गई थी? 2004 में। तरल हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला खस और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सवाईमाधोपुर भरतपुर। राजस्थान में भामाशाह रोजगार सृजन योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2015 को। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों का। मुख्यमंत्री जन स्वावलंबी योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती ज्योति किरण। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? 8%। किसी भी राज्य को बीमारू श्रेणी में रखने का आधार क्या है? आर्थिक पिछड़ापन। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। भारत सरकार का नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। भारत में किस योजना पर उच्चतम वृद्धि रही है? 10वीं पंचवर्षीय योजना पर। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में नियोजित आर्थिक विकास के सूत्रधार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई? 1615 तक। ओसिया माता का मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? प्रतिहार वंश ने। चीनी यात्री हेनसांग राजस्थान में किस स्थान पर रुके थे? भीनमाल में, जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे। राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह किसने धारण किया था? झाला अज्जा खानवा के युद्ध में। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1597 में। किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था? बयाने के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिस्थापित की थी? महाराणा राज सिंह ने। सुमेल गिरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1543 में, जिसे जैतारण का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हसमत वाला राजा किसे जाना जाता है? राव मालदेव को। कौन सा शासक अकबर और जहांगीर के सेवा में रहा था? रायसिंह। आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मॉक मेसन की। मेजर बर्टन किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? कोटा रियासत के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड केनिन। तात्या टोपे कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? ग्वालियर के। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन को दूसरी बार शुरू करने का कारण क्या था? चंवरीकर। नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड किस राजपूत रियासत में हुआ था? अलवर रियासत में। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस क्षेत्र ने किसान आंदोलन को शुरू करने की पहल की थी? मेवाड़ क्षेत्र ने। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के सबसे ज्यादा लोग थे? ठाकर जाति के। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। किस प्रांत की प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था? जोधपुर ने। पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से जुड़े थे? कोटा प्रजामंडल से। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं राजस्थान जीके के पार्ट 4 में, तब तक के लिए थैंक यू। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।